विंडो डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले विंडो डिस्प्ले, जो टॉपिक आता है सेल प्रमोशन यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 6 चैप्टर में। तो ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एनुअल जो आप अभी जल्दी जल्दी आने वाली है उसके हिसाब से, जो कि आपको 3 से 5 मार्क के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इससे भी अच्छी वीडियो देने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कई लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि ये टॉपिक पर बना दीजिए, मतलब कई लोग टॉपिक सजेस्ट करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके सजेस्टेड टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता ही हूँ। पर जो है मैं पहले भी कई सारी DSBM के टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, साथ ही साथ कोलॉजी पर, कोग्नोसी पर और जो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या अदर सब्जेक्ट पर वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चैनल को विजिट कर वो सारी इसकी सारी वीडियो चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए विंडो डिस्प्ले को स्टार्ट कर देते हैं। तो विंडो डिस्प्ले होता क्या है, ये अगर आप सिंपल टर्म में देखें तो आपने कई जगह, मतलब बस स्टैंड या फिर आप रेलवे स्टेशन कह लीजिए या फिर कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एक मतलब पहले जो चलता था केंट केंट वाले केंट या फिर अदर कोई RO सिस्टम वाले जो है अपना फिल्टर लेके ऐसे बैठते थे, मतलब एक सिंपली एक टेबल लगाकर और साथ ही साथ अपने उसके आजू बाजू जो है एक बैनर्स वगैरह लगाकर बैठते थे और जो है मतलब बस भीड़ भाड़ वाली जगह में वो अपना RO वहाँ पर लगा देते थे और साथ ही साथ वहाँ पर उनके 2 या 3 लोग बैठे थे, जिससे कि होता यह था कि लोग उस पर मतलब लोगों का ध्यान उसके तरफ जाता था, लोग उसके बारे में इंक्वायरी करते थे और जो उसे परचेज भी करते थे। तो यही है विंडो डिस्प्ले। साथ ही साथ आपने कई बाइक्स का भी देखा होगा या फिर कार्स का भी देखा होगा, कार्स भी मतलब ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में कुछ अच्छा मतलब एक टेंट वगैरह लगा कर रखी होती है, या फिर 2 व्हीलर्स आपने देखा होगा, स्कूटी वगैरह जो है एक मतलब सिंपल एक टेबल की तरह होता है जिस पर बैनर्स लगे होते हैं कंपनी के और उस पर जो है प्रोडक्ट या फिर उनका जो व्हीकल है वो रखा होता है। तो ये होता है विंडो डिस्प्ले। तो ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो है हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि उसे हमारी जो मेडिसिन है या फिर टैबलेट्स है उसे भीड़ भाड़ वाली जगह में हम शोकेश में रख दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। पर फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो है विंडो डिस्प्ले किस तरह यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है सिंपल, आपने जो है मतलब किसी भी मेडिकल शॉप में जो है एक जो शोकेश होता है वहाँ पर OTC ड्रग देखोगे, यानी कि जो ओवर द काउंटर ड्रग हम जिसे कहते हैं वो, मतलब जैसे कि आयोडेक्स हो गया, वैसलिन्स या फिर अदर कोई जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है वो शोकेश में रखे होते हैं, जिससे कि जो है सड़क से जाने वाला कोई भी बंदा या फिर कोई भी पर्सन उसे देखकर स्टोर की तरफ अट्रैक्ट होता है और स्टोर में आने के बाद जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ साथ अदर चीज़ें भी खरीद लेता है, या फिर जो मेडिसिन लेने आया है वो इस विंडो डिस्प्ले को देख के जो है आपके वो प्रोडक्ट भी खरीद ले, मतलब टैबलेट के साथ विंडो डिस्प्ले में से भी प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो बस इसका जो एम होता है मेनली वो यही होता है कि जो है अपने गुड्स या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर्स के दिमाग में एक अच्छा इम्प्रेशन तैयार करना और साथ ही साथ उन्हें अट्रैक्ट करना कि वो ये परचेस करे। पर जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो यहाँ पर जो है कुछ ये डिस्प्ले के लिए कुछ प्रिंसिपल है या फिर विंडो डिस्प्ले करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है, तो वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो है इट शुड डिस्प्ले सीजनल आइटम या फिर सीजनल आइटम। तो मतलब इसमें जो है सेशन, मतलब जो सीजन वाइज आइटम यहाँ पर रखना चाहिए, जैसे कि ठंड आ रही है तो आप वैसलीन या फिर अदर कोई भी बॉडी लोशंस वगैरह रखिए, अगर समर आ रहा है तो कोई आप जो है सनस्क्रीन इस तरह के कुछ प्रोडक्ट रखिए, या फिर जो है विंटर में जो है कुछ इन्फेक्शन या फिर अदर कोई भी जो विंटर में प्रॉब्लम्स आती है या फिर जो चीज़ें चलती है उस तरह के प्रोडक्ट आप यहाँ पर रखिए विंडो डिस्प्ले में। जो नेक्स्ट आता है वो है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है द विंडो डिस्प्ले शुड बी वेल लिट ड्यूरिंग नाइट, यानी जो विंडो डिस्प्ले है वो नाइट में भी वेल लिट यानी कि अच्छे से दिखना चाहिए। फिर आप उसमें कुछ नियॉन लाइट्स लगा सकते हैं या फिर सिंपल कोई भी लाइट वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि जो है नाइट में भी आपका विंडो डिस्प्ले इजीली दिखे, या आपने कई सारे मेडिकल्स में देखा ही होगा। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो है इट शुड शो द प्राइस ऑफ द आइटम। अब जो है आप मतलब सिंपल आपको एक ये प्रिंसिपल है कि आपको प्राइस शो करनी है, तो इसके लिए आप जो है जो बॉटल्स है या फिर जो आपने शोकेस में या फिर विंडो डिस्प्ले में जो भी प्रोडक्ट रखा है तो उसके नीचे सिंपल सा एक टैग लगा सकते हैं, या फिर जो है मतलब एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं जिस पर टैग लिखा हो, प्राइस टैग लगा हो, तो इससे जो है प्राइस भी आप मतलब कस्टमर को शो कर पाओगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आता है वो है द आइटम डिस्प्ले इन दी विंडो शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली टू गिव फ्रेशनेस एंड न्यूनेस टू दी डिस्प्ले। जो मतलब आप आइटम्स रख रहे हो, जो प्रोडक्ट्स आप रख रहे हो विंडो डिस्प्ले में, तो वो जो है आपने चेंज करते रहना चाहिए,
जिससे कि जो कस्टमर से उसे कुछ न्यूनेस लगे और साथ ही साथ जो है फ्रेश वो आइटम उसे दिखे। और जो नेक्स्ट आता है वो है इट शुड इंक्लूड सर्टेन मूविंग ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ इनकम्पैटिबल विद द डिस्प्ले, सॉरी इट इज इफ़ इट इज़ कम्पैटिबल विद द डिस्प्ले। तो अगर आप मूविंग आइटम रखते हो, अब मूविंग आइटम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जो भी आप चीज़ रख रहे हो, जैसे कि मैंने बाइक का आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, तो बाइक जो है वो मूविंग होती है, यानी कि मतलब उसे ऐसी जगह पर रखा होता है कि जो मतलब एक जैसे आपने ब्रेक डांस देखा होगा, जो जिस तरह से वो राउंड राउंड रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है, उसी तरह जो है बाइक भी उसी उसी तरह के कुछ गोल घूमने वाले चीज़ पर रखी होती है, जिससे जो है चारों या फिर तीनों एंगल से जो है वो बाइक कस्टमर को दिखे। तो अगर पॉसिबल है तो आप भी जो अपना गुड्स है या फिर अपना प्रोडक्ट है इस तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट में रख दीजिए, जिससे होगा ये कि जो भी कस्टमर आएगा उसे सारी मतलब सारी की सारी साइड से जो है आपका प्रोडक्ट दिखेगा, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन वो उसको देख के अट्रैक्ट हो गए। और जो नेक्स्ट है वो देयर शुड बी अ डेकोरेटिव बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्ले विच कैन मेड बाय यूजिंग कलर वॉलपेपर थर्माकोल फ्लावर्स और अदर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, तो मतलब जो बैकग्राउंड है अपने के डिस्प्ले का, वो अपने मतलब थोड़ा डेकोरेटिव रखना चाहिए, यानी जो कस्टमर है उसके माइंड में सेट हो जाए कि जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ वो बेस्ट ही है। तो इसके लिए आप जो है बैकग्राउंड को अच्छा करने के लिए या फिर डेकोरेटिव करने के लिए थर्माकोल्स या फिर गुड क्वालिटी के फ्लावर्स या फिर वॉलपेपर वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा कुछ था विंडो डिस्प्ले में, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा विंडो डिस्प्ले क्या होता है, उसके बाद देखे हमने कुछ प्रिंसिपल्स कि अगर आप विंडो डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। और जो नेक्स्ट बात आती यहाँ पर आती है वो है कुछ कलर के इन्होंने सीक्वेंस दिए गए, ये आपको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप मतलब जनरल लाइफ में इसे यूज़ या फिर इम्प्लाई कर सकते हो। तो जो रेड होता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद जो ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन और सबसे कम ब्लू। तो ये कुछ कलर सीक्वेंस है जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको जो है टॉपिक समझ आया होगा और आप कुछ ना कुछ तो पेपर में लिख ही लोगे और अपने मार्क यहाँ पर आपने फिक्स कर ही लियोगे। तो आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो सारे लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर जो भी प्लेटफॉर्म आपके हैं वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।